सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो जाने कि आप पीआर का जो डिफेक्टिव होता है, जो कस्टमर आपको डिफेक्टिव खराब ऑर्डर देता है, उसे आप कैसे इसमें चढ़ाएंगे SDMS में और उसको कैसे नया दे पाएंगे, डिफेक्टिव लेके उसको नया कैसे दे पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको कंज्यूमर डालना है। कंज्यूमर डालने के बाद आपको इस कंज्यूमर आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर दिखाई देगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डॉक्यूमेंट पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई देगा। प्लस सिंबल जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपने इन शॉप में तो ज़रूर देखा होगा ये चीज़ था, TCRV वो चीज़ है जहाँ आप डिफेक्टिव एरर को इशू कर सकते हैं, ठीक है, डालेंगे। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन खुलेगा जहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर रिप्लेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट नंबर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो PR में आपको अमाउंट देने पड़ जाएगा। आपको यहाँ फ्री रिप्लेसमेंट को चॉइस करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा चॉइस करना है ये हमको बता देते हैं। यहाँ आप देखिए NAV फी लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देख लीजिए दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके करने बाद ये आपका सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे। प्राइस यहाँ देखेंगे, प्राइस ज़ीरो है, तो आप समझ जाइए आप सही आप सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नया इशू कर रहे हैं वो यहाँ इंट्री करना है, जो उसे आप दे रहे हैं कस्टमर को, जो रिवेटर दीजिएगा वो यहाँ पर इंट्री कीजिएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर वही इंट्री कीजिएगा जो आप कस्टमर को देंगे। नीचे कॉलम आप देख रहे हैं, एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर भी मैं आपको बताता हूँ। ये पुराना रेगुलेटर यहाँ पे आपको नीचे सुखाना। पहले क्या था कि जो लोग सिलेंडर दिए थे, जो भी आप PR डालते हैं, जो भी पहले से था उसके पेपर में, वो यहाँ पे पुराना रेगुलेटर यहाँ पे नीचे में डालेंगे, नया ऊपर डालेंगे, पुराना नीचे डालेंगे। उसके बाद इसका ये डाल देंगे, उसके बाद मंथ डाल देंगे देख के कि किस मंथ में दिए हैं, उसके बाद पुराना रेगुलेटर नंबर डाल देंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ से आगे आ जाना है। आगे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिक। ये जो ऑप्शन डिफेक्टिव मैंने सेलेक्ट किया वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गलत नहीं सेलेक्ट कीजिएगा नहीं तो दिक्कत होगा आपको। इसके बाद आपको ये सारा कुछ देख लेना बिल्कुल सही। इससे पहले वीडियो में मैं बताया था कि प्लांट में कैसे डिफेक्टिव आप भेजेंगे रिटर्न, तो उस पर भी आपको लिंक दिया हुआ है। चलिए सबमिट करेंगे, उस लिंक पर आप देख के देख सकते हैं उस चीज़ का भी। इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस को कंप्लीट करने जैसे करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से आप डिफेक्टिव PR इंट्री करेंगे और कस्टमर को कैसे नया देंगे। और इससे पहले मैंने बताया था डिफेक्टिव प्लांट कैसे भेजते हैं, तो उस पर इस वीडियो के लिंक पर मैंने डाल दिया है लिंक, आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SDMS में कुछ कुछ नए नए चेंजिंग आते रहते हैं और मैं नए नए जानकारी देता रहता हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको अक्सर मिलते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।